हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ डाइट, मतलब किस पेशेंट को किस प्रकार की डाइट देनी चाहिए, किस डिजीज में किस प्रकार की डाइट देते हैं पेशेंट को, जिससे उसका जो हेल्थ स्टेटस है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है, वो मेंटेन रह सके। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ डाइट, मतलब अब देखो इसके अंदर अपन वन बाई वन डिस्कस करेंगे। साल्ट फ्री डाइट कैन रिड्यूस बीपी, मतलब ब्लड प्रेशर। जो साल्ट फ्री डाइट होती है वो क्या करती है, ब्लड प्रेशर को कम करती है। साल्ट फ्री का मतलब जो सोडियम होता है नमक के अंदर, अगर वो कम होगा, बॉडी के अंदर कम इंटेक होगा, जिससे क्या होगा, आपका बीपी है वो नॉर्मल रहेगा और कम होगा, बढ़ेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिमूव स्टिमुलेशन फूड सच ए सूप, मीट, स्ट्रॉन्ग टी एंड कॉफी एंड एल्कोहल, मतलब रिमूव स्टिमुलेशन फूड, ऐसे फूड जो आपकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, ठीक है, उसको इम्प्रूव करते हैं, ऐसे फूड को रिमूव करना, जैसे कप है, सूप है, मीट हो गया, मांस है, स्ट्रॉन्ग टी पी रहे हैं, कॉफी और एल्कोहल ले रहे हैं, वो क्या करते हैं, आपको जो माइंड है, जो आपके बॉडी के फंक्शन है उसको क्या करें, स्टिमुलेट करते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन। अब देखो अवॉइड स्ट्रॉन्ग शुगर सॉल्यूशन मतलब कि आपको क्या करना है, ज़्यादा मात्रा में शुगर सॉल्यूशन यूज़ नहीं करना है, क्योंकि जिससे भी आपको जो है डायबिटीज के चांस हो सकते हैं। फिर है अवॉइड फैटी फूड, अगर आप ज़्यादा फैटी फूड लोगे, फैटी डाइट लोगे, तो उससे क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल आपकी जो वेंस वगैरह आर्टरी वगैरह में जमा हो जाएगा और आपको हार्ट अटैक के चांस रहेंगे। नेक्स्ट है डाइट मस्ट बी फ्री फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल इरिटेट, मतलब कि आप जो भी डाइट का मतलब जो भी खाना ले रहे हो, किस मस्ट भी होना चाहिए, किससे, फ्री फ्रॉम मैकेनिकल और केमिकल, जो भी सब्सटेंस है उससे फ्री होना चाहिए। नॉर्मल जो नेचुरल सब्सटेंस यूज कर रहे हैं वही होने चाहिए खाने के अंदर, आपको केमिकल है मैकेनिकल है वो उसमें इंट्रोड्यूस नहीं, जैसे इंग्रेडिएंट आते हैं मसाले वगैरह, इनमें केमिकल मिला होता है, तो आप क्या करें वैसे को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट है फैक्टर अफेक्टिंग एपिटाइट, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर जो आपके एपिटाइट को, भूख को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, जैसे एनोरेक्सिया, उसको बोलते हैं लॉस ऑफ एपिटाइट। स्मॉल ऑफ फूड, मतलब आप स्मॉल फूड ले रहे हैं, लाइक एंड डिसलाइक, आपका जो पसंद और नापसंद वाले फूड है, ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्सेशन, फ्रीडम फ्रॉम हैवी वरी, पेन, स्ट्रेस एंड फटीग, मतलब फिजिकल एंड मेंटल रिलैक्स हो रखी है आपके माइंड के अंदर, जैसे वरी है, पेन है, स्ट्रेस, तो वो आप क्या करते हो, फूड ज़्यादा इंटेक नहीं कर पाते, प्रॉपर न्यूट्रिशन डाइट नहीं ले पाते। नेक्स्ट है रेगुलरिटी इन ईटिंग, आपकी जो रेगुलरिटी है वो ईटिंग में होनी चाहिए, अगर नहीं होती तो फैक्टर अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है प्लीजेंट इन्वायरमेंट, आपको क्या साफ सुथरा वेंटिलेटेड इन्वायरमेंट चाहिए, जहाँ पे आप खाना अच्छी तरह से खा सकते हो। ये देखते हैं अपन कई बसों वगैरह में जाते हैं, सफ़र करते हैं, तब आप क्या हो, खाना प्रॉपर जैसे एक अपने घर का सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता, तो आपको क्या कहती है, आपकी जो डेली हैबिट है उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ डाइट मेनली यूज इन हॉस्पिटल। अब देखो ऐसी कौन कौन सी डाइट है जो अपन हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट को देते हैं। फर्स्ट आता है फुल डाइट, इट इज रेगुलर वेल बैलेंस एंड नॉर्मल डाइट एंड फुल डाइट आर मेंटेन वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। अब देखो फुल डाइट क्या होती है, ये रेगुलर होती है, मतलब लगातार वेल बैलेंस्ड होती है, प्रॉपर न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व तो इसमें होते हैं, और नॉर्मल डाइट होती है एंड फुल डाइट आर मेंटेन, चाहे वो वेजिटेरियन हो सकती है और नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, वेजिटेरियन जैसे वेजिटेबल वगैरह आ गए, नॉन वेजिटेरियन के अंदर जो मांस वगैरह है वो सारे फुल डाइट में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्ट डाइट, इट इज फुल डाइट बट फूड सब्सटेंस आर इजी टू चेविंग और डाइजेस्ट, मतलब सॉफ्ट डाइट में क्या होता है कि फिर होती तो फुल डाइट ही है, पर इसमें जो सब्सटेंस होते हैं, जो अपन प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो क्या होते हैं, इजी डाइजेस्ट और चबाए जा सकते हैं, इसको बोलते हैं सॉफ्ट डाइट। अब देखो सॉफ्ट डाइट आर मेनली प्रोवाइड सम डाइट वेन नीडेड एंड आल्सो प्रोवाइड एज पर्सन आल्सो प्रोवाइड कन्वर्जिंग क्लाइंट, मतलब जो सॉफ्ट डाइट है वो मेनली किसको प्रोवाइड करते हैं, जो बड़े उम्र में एज पर्सन होते हैं, जिनकी एज ज़्यादा होती है, या कोई कन्वर्जन सीजर वाला पेशेंट है, या कोई बीमारी, उनको सॉफ्ट डाइट प्रोवाइड करते हैं। टेक मेंटेन प्रॉपर फूड सेविंग एंड डाइजेशन, डबल बॉयल राइस, जैसे आपको क्या करना है, उनको क्या हो सकते हैं, प्रॉपर सेविंग कर सके, डाइजेशन कर, जैसे सॉफ्ट कुक्ड पल्स है, दालें हैं, बॉयल राइस है, फिश है, पॉच एज है, कुक्ड वेजिटेबल है, बॉयल बनाना है, ठीक है, ये सारे अपन उबाल के जो भी देते हैं उसको सॉफ्ट डाइट में आते हैं। फिर आते हैं ब्लेंड डाइट फ्री फ्रॉम इरिटेटिंग सब्सटेंस, मतलब ब्लेंड डाइट में क्या होता है, जो भी इरिटेट करने वाले म्यूकोजा होती है, इंटेस्टाइन है बॉडी की, उसको अगर इरिटेट करने वाले सब्सटेंस है वो अवॉइड होते हैं, उस डाइट को बोलते हैं ब्लेंड डाइट। ए ब्लेंड डाइट इंक्लूड फूड आर इजीली डाइजेस्टेबल, मतलब ब्लेंड डाइट में क्या होता है, जो भी फूड होते हैं वो क्या होते हैं, इजी डाइजेस्ट होती है, पाचन क्रिया आसानी से होती है, और फ्री फ्रॉम इरिटेड सब्सटेंस होते हैं, जो मेनली अफेक्ट करते हैं जीआईटी को, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मतलब ऐसे सब्सटेंस जो जीआईटी को इरिटेट करते हैं उसको रिमूव कर दिया जाता है, उसमें उस डाइट को बोलते हैं ब्लेंड डाइट। नेक्स्ट है लिक्विड डाइट,
लिक्विड डाइट मेनली यूज व्हेन द क्लाइंट आर अनेबल टू टेक और टॉलरेट सॉलिड फूड. मतलब लिक्विड डाइट कब यूज करते हैं, जब क्लाइंट है वो सॉलिड डाइट को अनेबल टू टेक और टॉलरेट सॉलिड फूड को टॉलरेट करता है, सहन नहीं कर पाता, उस टाइम आप क्या कर सकते हो, लिक्विड डाइट देते हैं जिसमें ओनली वाटर सबस्टांस टाइप होता है, लिक्विड मटेरियल होता है, सॉलिड और सेमी सॉलिड नहीं होता, उसको बोलते हैं लिक्विड डाइट. अब लिक्विड डाइट आर मेनली डिवाइड इंटू टू टाइप, क्लीन फ्लूड डाइट. अब ये किसी को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें फर्स्ट है क्लीन फ्लूड डाइट. इट इज आर यूज व्हेन पेशेंट आर इंटॉलरेंस टू प्रॉपर फूड. मतलब जो क्लीन फ्लूड डाइट किसको दी जाती है, जो इंटॉलरेंट होता है प्रॉपर फूड को लेने में, पेशेंट क्या हो रहा है, इंटॉलरेंट है, सहन नहीं कर पाता. कंटेन इन लिक्विड डाइट, ठीक है. सो इन दिस कंडीशन प्रोवाइड क्लीन टी, ब्लैक कॉफी, क्लियर सूप, क्लियर जूस टू मेंटेन द नॉर्मल फ्लूड बैलेंस इन द बॉडी एट द शॉर्ट टाइम. मतलब अगर आपका कोई पेशेंट है वो प्रॉपर फूड डाइट को इंटेक नहीं कर पाता, तो क्लियर लिक्विड देते हैं जिसमें कॉफी है, क्लियर जूस है, मेंटेन नॉर्मल फ्लूड बैलेंस को बैलेंस करने के लिए आपको क्या देते हैं, क्लीन फ्लूड डाइट देते हैं. नेक्स्ट आता है फुल फ्लूड डाइट में क्या होता है, इंक्लूड प्रोवाइड टोटल न्यूट्रिएंट ऑफ द क्लाइंट टू मेंटेन प्रॉपर फ्लूड बैलेंस डाइट. मतलब फुल फ्लूड डाइट है वो इंक्लूड होती है प्रॉपर टोटल न्यूट्रिएंट से ऑफ द क्लाइंट टू मेंटेन प्रॉपर फ्लूड बैलेंस डाइट. मतलब फुल फ्लूड डाइट क्या होती है, प्रोवाइड करती है टोटल न्यूट्रिएंट, जो भी क्लाइंट को पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो फुल फ्लूड डाइट, मतलब लिक्विड के अंदर सारे पोषक तत्व होते हैं उस डाइट को, उसको बोलते हैं फुल फ्लूड डाइट. फिर आता है स्पेशल डाइट. नेक्स्ट अपन देखते हैं स्पेशल डाइट. अब स्पेशल डाइट में क्या होता है, स्पेसिफिक डाइट होती है मेनी पैथोलॉजिकल चेंज इन द बॉडी प्रोसेस. सो इन दिस कंडीशन प्रोवाइड स्पेशल डाइट, मतलब मेनी पैथोलॉजिकल चेंजेस जैसे बॉडी प्रोसेस के अंदर, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, प्रोवाइड स्पेशल डाइट देते हैं. मतलब जो पैथोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं बॉडी के अंदर, रोगाणु की वजह से जो भी चेंजेस होते हैं बॉडी के, इन्फ्लामेशन, उनके लिए जो स्पेशल डाइट देते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिजीज कंडीशन और डॉक्टर. मतलब कोई स्पेशल डाइट मतलब कि इस डिजीज में यही डाइट देनी है, उस डाइट को बोलते हैं स्पेशल डाइट, ठीक है. कि इस बीमारी में यही ड्रग्स दवाई है वो दवाई देती है, वैसे इस खाने इस यही खाना देना है वही होता है स्पेशल डाइट. फिर आता है एग्जांपल हाई कैलोरी एंड लो कैलोरी डाइट, हाई प्रोटीन, लो प्रोटीन, फैट फ्री डाइट, सॉफ्ट फ्री. मतलब कि हाई कैलोरी दे सकते हैं, लो कैलोरी दे सकते हैं, हाई प्रोटीन कर सकते हैं, लो प्रोटीन कर सकते हैं, फैट फ्री डाइट, लो साल्ट फ्री डाइट, ये सारे क्या होते हैं, डाइट के टाइप होते हैं कि अलग अलग डाइट के. अब देखो कि आप जैसे जैसे पढ़ते हो अलग अलग डिजीज आएगी, एमएस में पढ़ोगे उसमें क्या होगा, हर डाइट हर डिजीज के आगे जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें अलग अलग डाइट का यूज किया जाता है, ठीक है. अब देखो मैं आपको डिस्कस करवा रहा हूँ कि कौन कौन से अपन डाइट को यूज करते हैं. अब देखो आपको अगर बीपी है, किसी को हाइपरटेंशन की शिकायत देती है, मतलब ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल से अबव रहता है, उस कंडीशन में पेशेंट को बोला जाता है कि आप सोडियम का इंटेक, मतलब जो नमक होता है आप घरेलू नमक यूज करते हैं साल्ट, उसको आयोडीनयुक्त नमक यूज करो. आप क्या हो जिसमें सोडियम की मात्रा कम हो या सोडियम आपको नमक, जिसका भी बीपी ज्यादा रहता है उसको बोला जाता है कि आप नमक का सेवन है वो कम करो, जिससे क्या होगा उसका बीपी का होता कम. जो आप मैंने पहली लाइन है वो आपको बताई थी स्टार्ट के अंदर, ठीक है. हर डिजीज में अलग अलग टाइप की दी जाती है, जैसे कोई बीपी वाला पेशेंट हो गया उसको सोडियम डाइट कम करेंगे. अब कोई डायबिटीज वाला पेशेंट उसको बोलेंगे कि आप अनसेचुरेटेड डाइट लोगे, जैसे वो न्यूट्रिशन में आएगी मोनो अनसेचुरेटेड फैटी एसिड सेचुरेटेड फैटी एसिड, आपको शुगर फ्री डाइट लेनी है, ठीक है. अगर आप नॉर्मल शुगर कंसेंट्रेशन जो आपको बाजार में मिलती है वो शुगर आप यूज करोगे, मतलब जो चीनी यूज कर रहे हो उससे क्या होगा आपका शुगर लेवल है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है. इसलिए आपको बोला जाता है कि आप शुगर फ्री डाइट का यूज करो, ठीक है. जिससे आपका जो मधुमेह बोलते हैं डायबिटीज को नॉर्मली हिंदी के अंदर, तो आप उसको क्या करते हैं उसका यूज करके आप उसके कम कर सकते हो, जो शुगर बढ़ा रहता है लेवल उसको क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो.
जैसे कि कोई किडनी डिजीज होती है, ठीक है, कोई किडनी डिजीज वगैरह, उसमें क्या देते हैं, हाई प्रोटीन हाई कैलोरी डाइट देते हैं ताकि जो न्यूट्रिशन लेवल है वो मेंटेन रहे। अब मान लो किसी को वॉमिटिंग हो रही है तो उसको फ्लूड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस डाइट देते हैं, लिक्विड फ्लूड डाइट देते हैं, क्लियर फ्लूड डाइट देते हैं, जिससे क्या उनका जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे।